मोदी चार अफ्रीकी देशों की 5 दिवसीय यात्रा के बाद आज सुबह करीब 6 बजे नई दिल्ली लौट आए। मोदी मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और तंजानिया की यात्रा पर थे। पीएम मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाकर कश्मीर में बिगड़ते हालातों की समीक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के दौरे में उनके साथ थे। वो अपनी यात्रा में कटौती कर कल दिल्ली लौट आए और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल हुए। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पैदा हुए तनाव पर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धोखादायक है। क्या महबूबा मुफ्ती के हाथों में कश्मीर घाटी की कमान देकर बीजेपी ने गलती तो नहीं की? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि घाटी में कुछ तत्व अपने निहित स्वार्थों पर पूरा करने के लिए अशांति पैदा करने पर आमादा है और वे निर्दोष जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ धड़े नौजवानों की लाशों पर राजनीति करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी और अन्य लोगों की मौत पर गंभीर चिंता जाहिर करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। पाकिस्तान ने मौलिक अधिकारों के खुले तौर पर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। बुरहान वानी मामले में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान का विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। मंत्रालय ने पाकिस्तान पर भड़कते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद के साथ है। वो आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति के रूप में पेश कर रहा है और वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे। विवादों में घिरे मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है। वही खबर है कि अब वे 2-3 हफ्ते बाद भारत लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 हफ्ते वो कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे जहां उन्हें भाषण देना है। दक्षिण सूडान में गृह युद्ध के हालात के बीच भारत वहां फंसे अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बना रहा है। ये जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने दक्षिण सूडान के भारतीय दूतावास को तुरंत कदम उठाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को किसी ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। 10 जुलाई की शाम मिले इस कॉल में फोन करने वाले ने कहा, विजेंद्र गुप्ता तुम 2 बार बच गए, इस बार नहीं बचोगे, जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा लो। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वो ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल के उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की सदियों पुरानी परंपरा के मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज सकता है। कोर्ट के मुताबिक ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद से उनकी अर्जी पर गुजरात सरकार के जवाब का इंतजार करने को कहा है। दंपति ने अपने निजी बैंक खातों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित करने से परहेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मामले में आदेश दिया है कि प्रकरण की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी, लेकिन उस दिन एक भी शिक्षा मित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी शिक्षा मित्र कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को दंगे भड़काने के मामले में कल जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 9 महीने तक मेहसाना में न जाने की शर्त पर जमानत दी, लेकिन 6 महीने तक गुजरात में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते अब हार्दिक उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से लेकर मुसलमानों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान आजम ने 80% मुसलमानों पर आरोप लगाया कि वे ना ही रोजा रखते हैं और ना ही सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने मालिक यानी खुदा का ना हो सका वो कुत्ते से भी बदतर है। सलमान खान के फिल्म सुल्तान ने भारत में अपने पहले वीकेंड पर 180 करोड़ 36 लाख रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जबकि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 252 करोड़ 50 लाख रुपए का है। इसी तरह इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से मंदिर जलमग्न हो गए हैं। सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। श्रद्धा के घाट मणिकर्णिका पर पानी का जलस्तर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के कारण लोगों को श्रद्धा ऊपर की सीढ़ियों पर करना पड़ रहा है। हेडमास्टर के बेटे और पोस्टर बॉय बुरहान वानी के सफाई के बाद जहां घाटी सुलग रही है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से लेकर आतंकी आकर
तक वानी के लिए दुखी है। पीएम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया के जरिए आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हुए तांडव को दबाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर हैरानी जताई है। वहीं मुंबई पर 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को शहीद करार दिया है। दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान से इस मामले का फायदा उठाने के लिए कहा है। कश्मीर में सेना की कार्रवाई में मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान की याद में पोक के मुजफ्फराबाद स्थित हिजबुल के बेस पर आयोजित कार्यक्रम में उसे शहीद बताया। एसआर फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। आरोप है कि कंपनी द्वारा 2001 से 2006 तक पीएमओ के अधिकारियों समेत कई मंत्रियों और कारोबारियों की अवैध फोन टैपिंग की। सोमवार को इस सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में आई और इसके प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस से भी जांच करने को कहा गया। सुरेन उप्पल ने अपनी याचिका में एसआर कंपनी के उच्च अधिकारियों केंद्र सरकार सीबीआई और एसआर के पूर्व अधिकारी बासित खान को पक्ष बनाया है। जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू में कहा कि ये काफी पीड़ादायक है कि पिछले दिनों से जारी हिंसा में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद का सामना दृढ़ता और पूरी ताकत के साथ करना होगा, लेकिन कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में निर्दोष लोगों का मारा जाना पीड़ादायक है। सोनिया गांधी ने कहा कि सूबे में जो राजनीतिक प्रक्रिया जारी है उससे राज्य को फायदा हुआ है और यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूँ कि घाटी में शांति बनाए रखें। पीएम मोदी पर हमला करते उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर कश्मीर जल रहा है वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर में अपनी यात्रा का गुणगान करने और ड्रम बजाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी ने कांग्रेस के आरोपों का दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके बारे में जो बातें कही है उनमें तथ्यात्मक गलतियां हैं। अडानी ने आरोप लगाया कि जयराम रमेश राजनीतिक सुविधा के आधार पर दलील देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने कभी मुफ्त में विमान की सेवा नहीं दी। बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले आरोप लगाए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के अडानी के विमान के उपयोग किया। इस पर अडानी ने कहा कि उनके कॉरपोरेट ग्रुप के पास 4 विमान है और कोई भी उनका मुफ्त में उपयोग नहीं करता। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब जल्द ही सुपर सुकोई शामिल होगा। भारत रूस के साथ इस रुके प्रोजेक्ट पर बातचीत आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसके तहत भारत 5वीं जनरेशन के लिए लड़ाकू विमान और सुखोई जेट को सुपर सुखोई में बदलने के लिए रूस से समझौता करेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि देश के लिए सुखोई की उपयोगिता 60% तक बढ़ गई है, जबकि ये पहले 46% ही थी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य इसकी उपयोगिता को 75% तक करना है। सुखोई को बेहतर बनाने के लिए रूस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारतीय वायुसेना मिलकर काम करेंगे। सभी मिलकर सुपर सुखोई बनाएंगे।